आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी लौकी कोफ्ते की सब्जी। एकदम नरम और सॉफ्ट कोफ्ते बनाकर हम तैयार करेंगे। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए फटाफट से इसे देख लेते हैं कि हम बनाएंगे कैसे। इसके लिए हमने एक छोटे साइज का लौकी लिया है। अगर वजन में देखें तो ये कुछ 350 या 400 ग्राम के करीब है। सबसे पहले हमें लौकी के छिलके को हटा लेना है और उसके बाद इसे पानी से अच्छे से साफ कर लेना है। हमें लौकी को कद्दूकस करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब भी कोफ्ते के लिए आप लौकी को कद्दूकस करें तो हमेशा मोटे वाले साइड से कद्दूकस करें, क्योंकि बारीक साइड से कद्दूकस करते हैं तो लौकी बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ देता है और जब हम कोफ्ते को फ्राई करते हैं तो कोफ्ते अंदर तक नहीं पकते। इसी तरीके से मोटे वाले साइड से ही लौकी को हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है। लौकी में बहुत अधिक पानी होता है तो हमें क्या करना है, इसका जो पानी है उसको निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। नमक डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे ही आप इसके अंदर नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, आप देखेंगे जो लौकी है पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो इसे हमें क्या करना है, किसी कपड़े पे या फिर अपने हाथों से ही अच्छे से निचोड़ कर इसका जो भी पानी है हमें निकाल लेना है। तो आप चाहे तो किसी कपड़े के अंदर रख कर या फिर अपने हाथों से ही इसके पानी को अच्छे से निचोड़ लें। तो देखिए यहाँ पर इतना सारा पानी हमने निकाल लिया है। हम इसे फेंकेंगे नहीं बल्कि ग्रेवी में इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो लौकी है इसमें हमें कुछ मसाले मिलाने हैं, जैसे कि आधा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधा चम्मच के करीब गरम मसाला, आधा चम्मच के करीब इसमें हम डाल देंगे अजवाइन और आधा चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे हींग। उसके बाद इसकी बाइंडिंग के लिए हमें इसमें डालना है बेसन। लेकिन ध्यान रखें, एक बार ही आपको बेसन इसमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर कर आप इसके अंदर बेसन डालें, अच्छे तरीके से मिक्स करें। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, बस इतना बेसन होना चाहिए कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। देखिए मैंने पहले 2 चम्मच के करीब बेसन डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच के करीब बेसन हमने इसमें और डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार हम इसको इस तरह से बॉल का शेप दे के बना लेंगे कि अच्छे से बन रहा है या नहीं, या फिर हमें और बेसन डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट इसका बॉल बनकर तैयार है। हमने बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं डाला है, छोटे चम्मच से 3.5 चम्मच के करीब हमने इसके अंदर बेसन डाला है। बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बेसन का ही स्वाद आएगा। अब यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि हमने इसमें नमक नहीं डाला था। नमक हम सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि अगर हम पहले ही नमक डाल देंगे तो अगर थोड़ा बहुत भी पानी होगा तो फिर से ये पानी छोड़ देगा। नमक बिल्कुल लास्ट में डालेंगे जब हमें ये कोफ्ते बनाने हो। नमक डालकर अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आप इसका कोफ्ता बना लें जिस भी शेप में आपको पसंद है। चाहे तो बॉल बना लें या फिर स्क्वायर में, जैसा भी आपको पसंद है आप उस तरीके से इसका शेप दे दें। मैंने इस तरह से बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये जो हमारे कोफ्ते हैं बिल्कुल रेडी हैं। तो अब चलिए इन कोफ्तों को हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया था। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम एक एक करके ये कोफ्ता डाल देंगे, जितना भी एक बार में कढ़ाई में आता है। फ्राई करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि ये जो ऑयल है बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, क्योंकि हाई फ्लेम पे ऊपर से इसका कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा होगा। एक साइड जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो आप आराम से इसे दूसरे साइड के लिए पलट दें फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, हमने इसे निकाल लिया है। तो अब इसके लिए चलिए फटाफट से ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने सेम उसी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने इसे फ्राई किया था।
बस इसका ऑयल हमने निकाल के अलग कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है, ऑयल गरम ही है, तो इसके अंदर हम कुछ साबुत मसाले डाल देंगे जैसे कि दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा और थोड़ा सा हींग। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को हमें हल्का सा भून लेना है। जब थोड़ा सा प्याज भून जाए उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर ग्रेट किया हुआ लहसुन और अदरक डाल देना है। उसके बाद बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर लें। अब हमें इसे अच्छे से भून लेना है जिससे कि अदरक और लहसुन का कच्चापन कम हो जाए। अब यहाँ पर दो मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, साथ ही इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक की वजह से प्याज और टमाटर जल्दी पक जाएंगे। अगर आप पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बाद में डालें। इसे ढक देंगे जिससे कि ये जल्दी से पक जाए। इसे हमने 1 से 2 मिनट तक ढककर पका लिया था। यहाँ पर आप प्याज और टमाटर देख सकते हैं, काफ़ी हद तक पक गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मसाला डालेंगे। 1 चम्मच के करीब हमने डाल दिया है किचन किंग मसाला, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर भी डाल दें। मैंने स्किप किया है क्योंकि मैं यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल की हूँ। मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसे ढक देंगे अच्छे से पकने के लिए, जिससे कि मसाले जो हैं जले ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे ढककर पका लिया है। मसाले जो है काफ़ी अच्छे से पक गए हैं, तेल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो अब क्या करना है, ये जो लौकी का पानी हमने ग्रेट करके निकाला था, सबसे पहले हम ये पानी डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें 1/2 ग्लास के करीब पानी भी डाल देंगे, क्योंकि इसकी ग्रेवी हमें ज़्यादा लगानी होती है। जो कोफ्ते होते हैं इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स करके हम इसे बॉयल होने देंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बॉयल हो जाए। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी डालकर आप इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बॉयल कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद आप इसमें कम से कम 3 से 4 बॉयल आने दें और उसके बाद आप इसमें हरी धनिया पत्ती कट करके डाल दें। मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। तो ये हमारा सुपर टेस्टी लौकी कोफ्ता की सब्जी बनकर तैयार है। एकदम नरम और सॉफ्ट बना है। आप इसकी यहाँ पर ग्रेवी भी देख सकते हैं और हम आपको इसको कट करके भी दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा ये नरम और सॉफ्ट कोफ्ता बनकर तैयार हुआ है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें। टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दे। मेरे चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।